ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यूपी में सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। देवरिया, बांसगांव, घोसी लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी आज आखिरी चरण में ये वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करें तो चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी आज आखिरी चरण में मतदान होता हुआ नजर आ रहा है। 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। 134 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए 3 विशेष प्रेक्षक भी हैं। 13 सामान्य प्रेक्षक, अर्धसैनिक बल समेत पुलिस बल भी तैनात है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सातवें चरण में 25,668 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 4,165 क्रिटिकल माने जा रहे हैं। वहीं 1,861 सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं और 243 जोनल मैजिस्ट्रेट की भी तैनाती आज की गई है। 130 स्टैटिक मैजिस्ट्रेट और 2550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी आज तैनात किए गए हैं। सातवें चरण में 1,08,349 मतदान कार्मिक आज पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर 13,092 लाइव वेबकास्टिंग भी हो रही है। वहीं 2,304 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी के साथ भी व्यवस्था भी की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां यूपी में आज सातवें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है और ये मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर लोकसभा में भी वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है।